सो टुडे आवर टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉस। सिंपल सर्किट में अगर हमें करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस निकालनी होगी, वी यूज ओम्स लॉ। बट टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स ओम्स लॉ इज नॉट एनफ। सो इन 1845 जी आर किरचॉफ पुट फॉरवर्ड टू लॉस विच आर नोन एज किरचॉफ्स लॉस। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। अगर हम किसी भी क्लोज सर्किट का कोई जंक्शन कंसिडर कर लेंगे जहां बहुत सारी वायर्स मीट कर रही है, तो उस जंक्शन पे जितने भी करंट्स मीट कर रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। जस्ट लाइक दिस, इसमें अगर आप देखोगे करंट I1 एंड I2 इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, I3 एंड I4 इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो इनके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन है। जो भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो करता है वो पॉजिटिव होता है, जो भी करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो करता है वो नेगेटिव होता है। अगर हम इस जंक्शन को अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो हमारा जो I1 है वो पॉजिटिव आएगा, I2 जो है वो भी पॉजिटिव आएगा बिकॉज दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, तो I3 इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये नेगेटिव आएगा, I4 इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये भी नेगेटिव आएगा, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 बाय ट्रांसपोजिंग दिस I3 एंड I4 टू राइट। उसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। इन अदर वर्ड, जितना चार्ज जंक्शन पे आ रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। सो देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज एट द जंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ है इट फॉलोज बेसिकली फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज लूप लॉ। It states that the algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in a circuit is zero. अगर हम किसी भी सर्किट की कोई क्लोज्ड लूप कंसिडर कर लेंगे, उसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेज होंगे उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंसेज या तो बैटरी की सूरत में होगी या किसी रेजिस्टर्स के अक्रॉस होगी। तो इनके लिए हमारे पास साइन कन्वेंशंस है। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए, किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर वहां से या तो हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं अलोंग द लूप या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं अलोंग द लूप। तो लूप के अलोंग मूव करते समय अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं एज शोन बाय दिस रेड एरो, तो EMF पॉजिटिव होता है, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। सिमिलरली लूप के अलॉन्ग मूव करते समय अगर हम रेजिस्टर के थ्रू मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज शोन बाय दिस रेड एरो, तो जो उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी करंट इनटू रेजिस्टेंस वो पॉजिटिव होती है, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। अब ये सर्किट कंसिडर कीजिए आप, इसमें हमारे पास तीन क्लोज्ड लूप्स है, ए बी सी डी ए पहली क्लोज लूप, देन वी हैव सी डी ई एफ सी सेकंड क्लोज लूप, देन वी हैव ए बी एफ ई ए थर्ड क्लोज लूप। तीन रेजिस्टर्स है R1, R2 एंड R3, दो बैटरीज है E1 एंड E2, E1 से करंट I1 निकलता है, E2 से करंट I2 निकलता है, दोनों मीट करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से I1 प्लस I2 करंट फ्लो होता है, यहाँ पहुँच के I1 यहाँ से जाता है एंड इट इंटर्स इनटू द बैटरी E1, और I2 नीचे जाता है एंड इट इंटर्स इनटू द बैटरी E2। तो अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज द लूप लॉ, इसको हम अप्लाई करते हैं क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए को। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस आती है दैट इज E1, बैटरी आ रही है एंड वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस E1 होगी इट विल बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, सो E1 विल बी पॉजिटिव। जब हम आगे मूव कर रहे हैं, सो एज वी मूव अक्रॉस R1,
So we are moving opposite to the current. So the potential difference across R1, iske across jo potential difference hogi, that will be I1 into R1, aur wo negative hogi kyunki hum opposite to the current move kar rahe hain. To ye aa gaya hamara I1 R1 aur ye negative. फिर जब हम B से C की तरफ मूव कर रहे हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, C से D की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम रेजिस्टर R2 के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, करंट I1 प्लस I2 इनटू R2, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस. अगेन हम अपोजिट टू द करंट मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट और करंट टुवर्ड्स राइट है, तो ये नेगेटिव होगा. तो यहां पे आप देखिए दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव. तो फिर जब हम D से A की तरफ वापस मूव कर रहे हैं वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इन पोटेंशियल डिफरेंस का जो अल्जेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर. तो ये हमने अप्लाई किया क्लोज्ड लूप A B C D एंड A को, किरचॉफ्स लूप लॉ. अब हम अप्लाई करते हैं ये लूप C D E F C को, और हम क्लॉकवाइज सी से स्टार्ट करेंगे, हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे. क्लॉकवाइज मींस हम यहां से ऐसे मूव करेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस. तो जब हम सी से एफ तक जाते हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर जब हम एफ से आगे चलते हैं तो पहली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है आर थ्री के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होगी, करंट आई टू इसके थ्रू पास हो रहा है, दैट विल बी करंट आई टू इनटू आर थ्री, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि हम भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और करंट भी लेफ्ट की तरफ है, सो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस विल बी पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव. फिर उसके बाद हमें आती है पोटेंशियल डिफरेंस E2, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. तो इसमें हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन इट विल बी नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव. फिर जब हम E से D की तरफ मूव कर रहे हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर जब हम D से C की तरफ मूव कर रहे हैं सो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, वो किसके बराबर होगी, करंट I1 प्लस I2 इनटू R2, और इस टाइम ये पॉजिटिव होगी क्योंकि हम टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, सो इट विल बी पॉजिटिव, और इन पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम जीरो होगा. इसी तरह हम बड़ी लूप ए बी एफ ई ए को भी किरचॉफ्स लूप ला अप्लाई कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स में हमें आर वन आर टू ई वन ई टू ये सब पता होगा, एंड वी विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट करंट्स आई वन एंड आई टू. तो दिस लॉ फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो नेक्स्ट we have a problem, find the current through 10 ohm resistor. So this is the figure. तो इसमें हमारे पास एक बैटरी यहाँ पे है जिसका EMF 5 volt है, internal resistance 2 ohm है. यहाँ पे हमारी और एक बैटरी है जिसकी voltage जिसका EMF 2 volt है और internal resistance 1 ohm है. तो यहाँ पे एक resistor है 10 ohm and we are supposed to find out the current through this 10 ohm. ये जो currents मैंने दिखाए हैं ये एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिए गए होते हैं, यू हैव टू पुट इट योरसेल्फ. तो यहाँ से करंट I1 निकलता है, जब ये वो यहाँ पे पहुँचता है तो इस तरफ मैंने लिखा I2 जा रहा है करंट, अगर इस तरफ I2 जाएगा तो इस तरफ कितना जाएगा, I1 माइनस I2, और ये I1 माइनस I2 इस बैटरी के थ्रू होके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये I2 यहाँ से आके फिर से ये मीट करेंगे तो इस तरफ फिर से करंट I1 ही जाएगा, क्योंकि I1 माइनस I2 प्लस I2 ये यहाँ पे जब ऐड होंगे तो वहाँ से I1 निकलेगा, वो यहाँ से वापस इस बैटरी में चला जाएगा. तो अगर आप देख रहे हो इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I1 माइनस I2, और वापस भी कितना जा रहा है I1 माइनस I2, इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I1 और वापस भी कितना जा रहा है I1, तो हमें ये करंट I2 निकालना है जो इस 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे लूप ला टू लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, तो इसको हम ये अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लूप ला. तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जब हम बी से ई की तरफ मूव करेंगे तो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर.
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो रेजिस्टेंस करंट इनटू रेजिस्टेंस होगी, यानी आई टू इंटू टेन, और वी कैन से टेन आई टू। और हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, सो वी विल बी हैविंग प्लस आई टू। फिर जब हम ई से एफ की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर जब हम एफ से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो दो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं हमारे पास, एक तो ये बैटरी 5 वोल्ट है और ये रेजिस्टर 2 ओम है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो 5 वोल्ट आप देखिए, हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो फिर जो 2 ओम रेजिस्टर है उसके थ्रू करंट हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और करंट भी ऊपर की तरफ ही फ्लो हो रहा है, और वो करंट कितना है I1। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी करंट I1 इनटू 2 एंड दैट विल बी पॉजिटिव, सो प्लस 2 I1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। एलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो विच इंप्लाइज दैट इसमें अगर आप देखोगे 5 को हम टू ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स राइट, सो वी विल बी गेटिंग ट्वाइस I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 5। सो दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ टू लूप BCDEB। तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जब हम B से C की तरफ मूव कर रहे हैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जब हम C से D की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तो इस बैटरी है जिसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है, और फिर ये रेजिस्टर 1 ओम है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब हम C से D की तरफ मूव कर रहे हैं तो पहले बैटरी का देखिए, अब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी 2 वोल्ट, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव होगी, तो ये आ गया -2 यहाँ पे। अब देखिए हम इस रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, तो करंट भी नीचे की तरफ ही है और हम भी नीचे की तरफ ही मूव करें क्योंकि यहाँ से जो करंट निकलता है वो इस तरफ जा रहा है, तो यही I1 माइनस I2 इस 1 ओम के थ्रू भी पास हो रहा है। तो इस 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी करंट I1 माइनस I2 इनटू 1 ओम, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है और हम भी सी से डी की तरफ नीचे की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, प्लस 1 इनटू माइनस I2 यानी रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब आ गए हम ई पे, ई से जब हम वापस बी की तरफ जाएंगे सो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो होगी करंट I2 इनटू रेजिस्टेंस 10 ओम यानी 10 I2, और हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसको भी अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा I1 माइनस 11 I2 इक्वल टू 2, सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब ये हमें दिस आर द टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स I1 I2 यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी I1 I2 है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इनको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, सॉल्विंग देम हमारा जो I2 आता है दैट इज 0.03 एम्पियर। सो नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो इसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, मिक्सड कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये लीजिए हमने दो सेल्स ली है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, और इनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्योंकि ये एक ही वायर पे है, देयर इज सिंगल पाथ, तो एक ही वायर पे है, सो दे आर इन सीरीज। इस बैटरी की ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स है इसको हमने कनेक्ट किया, इसको हमने अप्लाई किया है टू एक्सटर्नल रेजिस्टर R, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो अगर हम किरचॉफ्स लूप ला सेकंड ला अप्लाई करेंगे इसमें, तो हम यहां से A से स्टार्ट करते हैं, तो इस तरफ जब फ्लो मूव करेंगे हम तो पहली जो पोटेंशियल ड्रॉप हम इनकाउंटर कर रहे हैं वो अक्रॉस दिस R होगी,
और वो किसके बराबर होगी, आई इंटू आर, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट और करंट भी फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स राइट, सो इट विल बी पॉजिटिव। फिर जब हम आगे चल के हम जो सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस इनकाउंटर कर रहे हैं वो है आर टू के अक्रॉस, तो करंट भी इस तरफ फ्लो हो रहा है और हम भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट कितना है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी आई इंटू आर टू, और ये पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया हमारा आई इंटू आर टू, ये पॉजिटिव है। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँच गए आगे चल रहे हैं, सो जो नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ई टू, अब द ई एम एफ ऑफ दिस बैटरी, हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू आवर टेंशन ये नेगेटिव होगा, तो ई टू नेगेटिव होगा। फिर जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस आर वन, और हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, करंट भी फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, करंट आई इंटू आर वन, और ये पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप किस, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ई वन, ई एम एफ ऑफ दिस बैटरी। तो इसमें आप देखिए हम जब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट ए तक हमें जाना है, तो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, तो ये ई वन जो होगा ये नेगेटिव होगा, सो इट विल बी माइनस ई वन, सो ये पूरा एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अब अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, आई इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लेंगे, ई वन और ई टू को हम ट्रांसपोज करेंगे टुवर्ड्स राइट, तो हमारा जो आई आएगा दैट विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू डिवाइड बाय आर इंटू आर वन प्लस आर टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे E नॉट डिवाइड बाई आर प्लस आर नॉट, ई नॉट किसके बदले मैंने लिखा ई वन प्लस ई टू के बदले, और आर नॉट मैंने किसके बदले लिखा आर वन प्लस आर टू के बदले। तो ये हमारी इक्वेशन I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई आर नॉट प्लस सॉरी आर प्लस आर नॉट, सो दिस इज द करंट थ्रू द सर्किट ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेल्स, जिसमें जहां पे ई नॉट किसके बराबर है E naught is equal to E1 plus E2, और R naught किसके बराबर है R1 plus R2। अब आप ये सिंगल सेल कंसिडर कीजिए, अब हम एक सिंगल सेल कनेक्ट करते हैं बिटवीन A एंड B, जिसका EMF कितना है E naught, और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है R naught, ये हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, E naught E1 plus E2 के बराबर होगा और R naught R1 plus R2 के बराबर होगा। ये सेल हम कनेक्ट करते हैं A और B के दरमियान, अब इससे जो करंट आई फ्लो हो रहा है थ्रू दिस सर्किट, सेम सर्किट है एक्सटर्नल रेजिस्टर आर है, तो इससे जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर होगा, वो करंट होगा आई, टोटल ईएमएफ कितना है इस सर्किट में ई नॉट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है आर प्लस आर नॉट, क्योंकि ये दोनों सीरीज में एक ही वायर पे है, तो टोटल रेजिस्टेंस ये एड हो जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी आर प्लस आर नॉट, सो करंट आई किसके बराबर होगा इस सर्किट में, ईएमएफ टोटल कितना है वो है ई नॉट डिवाइड बाय इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है वो है आर प्लस आर नॉट, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ये सीरीज में है एक ही वायर पे है, तो आई आ गया हमारा ई नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर नॉट विच इज सेम एज द करंट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। तो इस एक सेल की वजह से भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की वजह से फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट सेल कहते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू सेल्स। तो ये जो इक्विवेलेंट सेल है, इस इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ कितना होना चाहिए ई नॉट विच इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए आर नॉट, वो किसके विच इज इक्वल टू आर वन प्लस। तो अगर हम ये सेल यूज करते हैं उन दो सेल्स की जगह पे, ये हमें सेम करंट देगा सर्किट में, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट सेल कहते हैं। अब अगर हम n सेल्स कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हमारा जो E नॉट होगा वो किसके बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस फिर E3 होगा E4 होगा, उनके बदले हमने डैश डैश लिखा है, और लास्ट पे क्या होगा EN। तो इसको हम समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते, क्योंकि एक समेशन सीरीज है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन ई आई, और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी आर नॉट वो किसके बराबर होगी, पहले तो आर वन प्लस आर टू थी क्योंकि दो ही सेल्स थी, अब आर थ्री भी होगा आर फोर भी होगा, उनके बदले डैश डैश लिखा है हमने, और लास्ट में क्या होगा आर एन, इसको भी हम समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन
और आई। तो ये आ गई हमारी ईएमएफ क्या होगी अगर हम एन सेल सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सो रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन ई आई। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, सो इट इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन आर आई। तो अब हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब जो हमने सेल्स कनेक्ट की है सीरीज में, अगर वो आइडेंटिकल सेल्स यानी हर ए का ईएमएफ ई है और हर ए की इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो उस टाइम जो हमारा ई नॉट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आर वन के बदले भी ई वन के बदले भी ई ही आएगा, ई टू के बदले भी ई ही आएगा, प्लस डैश 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 प्लस ई एन के बदले भी ई ही आएगा। और ये कितनी बार है, एन टाइम्स है, तो हमारा ये बन जाएगा एन टाइम्स ई। तो ये आ गया हमारा टोटल ई एम एफ, वो एन ई के बराबर होगा। सो ई नॉट से हम टोटल ई एम एफ डिनोट करते हैं एन ई के बराबर। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी आर नॉट, वो किसके बराबर होगी, आर वन के बदले भी आर आएगा, प्लस आर टू के बदले भी आर आएगा, प्लस आर डैश 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 प्लस आर एन के बदले भी आर आएगा। तो ये भी बन जाएगा एन आर। तो ये आ गया हमारा टोटल ईएमएफ और ये आ गई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट किसके बराबर होगा, तो पहले ही हमें पता है करंट किसके बराबर है, ई नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं ई नॉट के बदले क्या लिखेंगे हम, एन ई डिवाइड बाय आर, तो ऐसे ही आएगा। और आर नॉट के बदले क्या आएगा, एन आर। तो ये आ गया हमारा करंट थ्रू द सर्किट ड्यू टू एन आइडेंटिकल सेल्स। इस टाइम हमारी आइडेंटिकल सेल्स है। तो इसमें हम दो केसेस डिस्कस कर सकते हैं। एक केस ये है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट की बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। दूसरा ये है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। तो पहले हम देखेंगे अगर इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एन आर, एन आर आर नॉट, क्योंकि आर नॉट ही एन आर के बराबर है। सो दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सर्किट में हमने यूज की है वो जो सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय आर। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, सो इट विल बी एन ई डिवाइड बाय आर, और वो किसके बराबर आएगा, एन इन टू ई डिवाइड बाय आर, एंड दैट इज इक्वल टू n into current due to single cell, and this will be maximum current. तो n तो ऐसे ही लिखा हमने, लेकिन e divided by r के बदले हमने क्या लिखा, current due to single cell। तो ये मैं explain करता हूँ current due to single cell ये कैसे होगा। जब हमारे पास single cell होगी circuit में तो current किसके बराबर होगा, current हमारा होगा that current I will be equal to total EMF। तो टोटल ईएमएफ सिर्फ ई होगा क्योंकि एक ही सेल है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो इट विल बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आर है, प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी यानी आर नॉट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक ही सेल है तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगी, ठीक है ना। तो अब हमारा जो केस है ना उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो है ना आर, इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल हमारा क्या आएगा, इट विल बी ई डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो इट विल बी ई डिवाइड बाय कैपिटल आर, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, तो मैंने E डिवाइड बाई R के बदले क्या लिखा है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे मैं लिख सकता हूँ E डिवाइड बाई R के बदले करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो अगर हम सिंगल सेल कंसिडर करेंगे तो ये करंट किसके बराबर होगा, E नॉट यानी टोटल EMF। टोटल EMF सिर्फ E के बराबर होगा, इस बार किसके बराबर होगा, वो E के बराबर। टोटल EMF विल बी इक्वल टू E क्योंकि एक ही सेल है, फिर डिवाइड बाई R प्लस R नॉट, R नॉट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इस टाइम R होगी क्योंकि एक ही सेल है। तो हमारा जो केस है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम इस स्मॉल R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल R। सो I कम्स आउट टू बी E डिवाइड बाय R, इसी के बदले हमने लिखा है करंट ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि करंट ड्यू टू सिंगल सेल विल बी E डिवाइड बाय R।
एंड दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि करंट हमें एन टाइम्स मिल रहा है, जितनी सेल्स हमने यूज की उतने टाइम्स करंट मिल रहा है। अगर हम 10 सेल्स यूज करें करंट 10 टाइम्स मिल रहा है, अगर हम 100 सेल्स यूज करें तो करंट 100 टाइम्स बन रहा है और वो मैक्सिमम करंट होगा। तो नेक्स्ट केस हमारा है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, सो आर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर नॉट, तो उस टाइम क्या होगा? इस टाइम क्या होगा? इस टाइम कैपिटल आर नेग्लेक्ट होगा। कैपिटल आर जब नेग्लेक्ट होगा तो करंट किसके बराबर रहेगा? एन ई डिवाइड बाय एन आर। तो कैपिटल आर नेग्लेक्ट हो गया, सो इट इज एन ई डिवाइड बाय एन आर, सो आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय एन आर। N और N कैंसल आउट हो जाएगा, N एंड N कैंसल्स आउट, सो दिस विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाय R एंड दैट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल। N सेल्स यूज करने के बावजूद भी हमें सिर्फ करंट ड्यू टू सिंगल सेल मिल रहा है। 10 सेल्स अगर हम यूज कर रहे हैं तब भी हमें करंट एक सेल का मिल रहा है, तो इट मीन दिस करंट इज मिनिमम करंट। अब E डिवाइड बाय R इस टाइम करंट ड्यू टू सिंगल सेल कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगेन हमारा करंट है I, वो किसके बराबर है? वो है हमारा टोटल EMF। टोटल EMF अगर एक सेल हम कनेक्ट करते हैं तो E ही होगा, E नॉट के बदले E होगा, डिवाइड बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इस R नॉट है, लेकिन हमने एक ही सेल कनेक्ट की है तो R नॉट के बदले हमारा सिर्फ R आएगा। अब केस देखिए हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये इस स्मॉल आर से बहुत कम है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल कितना आएगा हमारा? दैट विल बी सिंपली ई डिवाइड बाय आर। सो इसीलिए मैंने ई डिवाइड बाय आर के बदले क्या लिखा है? करंट ड्यू टू सिंगल सेल, एंड दिस विल बी मिनिमम करंट, क्योंकि 10 सेल्स 20 सेल्स n सेल्स यूज करने के बावजूद भी हमें जो सर्किट में करंट मिल रहा है वो एक सेल का करंट मिल रहा है, एंड दिस इज द मिनिमम करंट। तो इस टाइम मिनिमम करंट फ्लो होगा। अक्सर ये इंट्रेंस में ऑब्जेक्ट आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कब करंट मैक्सिमम होता है, कब करंट मिनिमम होता है। सो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखिए हमने दो सेल्स अगेन कंसिडर किए हैं, ये एक सेल है ये दूसरी सेल है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्योंकि हम ऊपर दो पाथ से हैं, यहाँ पे हम ऊपर से भी जा सकते हैं ए से बी तक और हम नीचे से भी जा सकते हैं ए से बी तक। जब एक से ज़्यादा पाथ्स होंगे तो सेल्स किस में होते हैं? पैरेलल में। तो ये पैरेलल में है और इस कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टर आर के साथ थ्रू दिस सर्किट। तो यहां से करंट आई आ रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का टोटल करंट, फिर वो यहां से जा रहा है। यहां से हम देख रहे हैं अगर ऊपर की सेल में आई वन करंट जा रहा है तो नीचे यहां से कितना जाएगा? आई माइनस आई वन, ये आई फिर यहां से आके इस I माइनस आई वन के साथ मीट करके फिर यहां से फिर से ही जाएगा। तो अगेन इसमें हम किरचॉप्स लूप ला यूज करेंगे। पहले हम सर्किट को यूज करेंगे, उस लूप को यूज करेंगे जिसमें हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर R है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और EMF E1 है। तो ये है, ए से यहाँ जाना है, फिर यहाँ 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 से ऊपर, फिर यहाँ से, फिर नीचे, फिर यहाँ से। तो ये हमारी क्लोज्ड लूप है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे किरचॉप्स लूप ला। तो पहले हम यहाँ से जाएंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, फिर यहाँ से जाएंगे तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आर रेजिस्टर। वो किसके बराबर होगा? करंट आई इनटू रेजिस्टेंस आर, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हम टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं और करंट भी इसके थ्रू टुवर्ड्स राइट, सो दिस विल बी पॉजिटिव आई आर। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ से भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ से भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस आर वन, और वो किसके बराबर होगी? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट आई वन इसके थ्रू फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है? आर वन, सो दैट विल बी आई वन आर वन।
और हम टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं और करंट बी फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दैट विल बी पॉजिटिव, सो आई वन आर वन विल बी पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई वन, ई एम एफ ऑफ द बैटरी, और हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये नेगेटिव होगा, सो दैट विल बी माइनस ई वन। तो फिर हम यहाँ से वापस पहुँच गए ए तक, क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इनका सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, सो दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब हम किरचॉप्स लूप लॉ अप्लाई करेंगे दूसरे लूप को, वो लूप यो ये हैं, ए से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से बी तक, फिर ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये दूसरी लूप है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे किरचॉप्स लूप लॉ। तो इसमें हमारी रेजिस्टेंस आर आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू आ रही है, और ई एम एफ ई टू आ रहा है। जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, वो किसके बराबर होगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और वो पॉजिटिव होगा क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ से भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर जब हम यहाँ मूव करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस आर टू, वो किसके बराबर होगा, करंट आई वन माइनस आई टू इनटू आर टू, और चूंकि हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं और करंट भी लेफ्ट मूव लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव होगा, सो इट विल बी आई इंटू आई वन इंटू आर वन, ये पॉजिटिव होगा। फिर बैटरी यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ई टू, अगेन हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, सो ई टू इज नेगेटिव, तो हमारा सर लूप यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इक्वेशन सेकंड। तो इन दो इक्वेशंस में हम फर्स्ट इक्वेशन को, तो आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम आर टू से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकंड को हम स्मॉल आर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बनती है दैट विल बी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय आर टू सेकंड बाय आर वन एंड ऐड वी गेट, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है आई आर आर वन प्लस आर टू प्लस आई आर वन आर टू माइनस ई वन आर टू दैट माइनस ई टू आर वन इक्वल टू जीरो। तो इसमें अगर हम करंट निकालेंगे, आई को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इनको हम ट्रांसपोज करेंगे टूवर्ड्स राइट, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी आई इज इक्वल टू, इसको भी ट्रांसपोज किया है टूवर्ड्स राइट, इसको भी ट्रांसपोज किया है टूवर्ड्स राइट, सो दैट्स ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन, फिर यहाँ से जो कॉमन लेके बचता है वो डिवाइड हो जाएगा, दैट्स आर इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन इंटू आर टू, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे आर वन प्लस आर टू से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे आर वन प्लस आर टू से, सो वो किसके बराबर होगा, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, अब इस डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इस आर वन प्लस आर टू को इस टर्म को अलग डिवाइड रखते हैं और इस टर्म को अलग डिवाइड रखते हैं, जब हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट होगा, तो वहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, और फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, तो हम करंट आई लिख सकते हैं इक्वल टू ई नॉट, इसके बदले हम ई नॉट लिखेंगे डिवाइड बाय आर ऐसे लिखेंगे प्लस, इसके बदले हम लिखेंगे आर नॉट, तो ये आ गया हमारा करंट थ्रू द सर्किट, तो इतना करंट इस कॉम्बिनेशन की वजह से सर्किट में फ्लो हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स की वजह से इतना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है, जहां पे ई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाय आर वन प्लस टू, तो ये E नॉट के बराबर है, और R नॉट किसके बराबर है, R नॉट इसके बराबर है, R नॉट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सो दिस इज R नॉट। तो अब ये एक सेल कंसिडर, सिंगल सेल कंसिडर कीजिए आप, कॉम्बिनेशन की जगह हमने अगेन एक सिंगल सेल यूज की जिसका EMF कितना है E नॉट, और जिसका
इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, आर नॉट। और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है ना सर्किट में वो आई है, ये करंट किसके बराबर होगा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू दिस सिंगल सेल विल बी इक्वल टू ईएमएफ कितना है इस सर्किट में, दैट इज ई नॉट। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर प्लस आर नॉट, जैसे कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया सेम वैसे ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस आर नॉट, क्योंकि ये सीरीज में है एक ही वायर पे है, तो टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस आर नॉट, टोटल ईएमएफ इज ई नॉट। सो करंट किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज इन द सर्किट टोटल ईएमएफ इन द सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर प्लस आर नॉट। तो अगर आप देखोगे ये सेम करंट है जो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स से मिल रहा, तो इसलिए हम इस सेल को इक्विवेलेंट सेल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट सेल, क्योंकि ये भी उतना ही करंट हमें सर्किट में देता है जितना हमें वो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स देते हैं। उसका करंट भी अगर लास्ट स्लाइड पे आपने देखा कि उससे जो करंट फ्लो होता है वो भी ई नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर नॉट है, तो हमें सेम करंट मिलता है इन द सर्किट। तो ये ई नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, आर नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, तो इसको हम इक्विवेलेंट सेल कहते हैं। तो इक्विवेलेंट सेल जो है तो उसका जो ईएमएफ होगा वो ई नॉट होगा और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो आर नॉट होगी। अब ये ई नॉट और आर नॉट का वैल्यू हम निकालेंगे किसके बराबर होना चाहिए। तो आर नॉट आप देखिए, आर नॉट किसके बराबर है, आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू वन बाई आर नॉट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो क्योंकि इट इज जस्ट लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वन बाई आर नॉट इसको आप अगर हम इनको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप एग्जैक्टली यही फार्मूला मिलेगा, आर नॉट हमें इसी के बराबर मिलेगा। तो हम वन बाई आर नॉट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू लिख सकते हैं। तो ये बन गए हमारी इक्वेशन फोर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इस इक्वेशन से मिलती है। इक्विवेलेंट सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर टू, न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया आर वन आर टू से, डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे आर वन आर टू से। तो अब अगर अलग अलग हम डिवाइड रखेंगे इसको, जब हम ये अलग डिवाइड रखेंगे तो R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ क्या बचेगा E1 R1, तो ये बन जाएगा E1 R1। सिमिलरली इसमें बचेगा E2 R2 डिवाइड बाय, इसमें भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ क्या बचेगा 1 बाय R2। और इसके इसको जब हम अलग डिवाइड रखेंगे तो वहाँ पे R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचेगा 1 बाय R1। तो ये आ गई हमारा, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। तो हम लिख सकते हैं जो ई नॉट है वो किसके बराबर है, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दिस इक्वेशन 5। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि उस ईएमएफ की और उस इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल जब हम यूज करेंगे तो वो हमें कॉम्बिनेशन का काम देगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरेलल सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स। अगर हम एन सेल्स कंबाइन करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, 1 बाय R0 विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय Rn। सो उसको सबमिशन सीरीज में हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इक्वेशन 6। और ई नॉट किसके बराबर होगा, ई नॉट को हम लिख सकते हैं E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2। अब तो n सेल्स हैं, प्लस डैश 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 प्लस EN डिवाइड बाय RN होल डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस डैश डैश प्लस 1 डिवाइड बाय RN। लास्ट स्लाइड पे जो हमने फार्मूला निकाला था ई नॉट के लिए उसी से हमने ये लिखा है, उसी को हमने जनरलाइज किया है n सेल्स के लिए। तो ये जो फार्मूला है ये हमें देता है इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n ई डिवाइड बाय RI होल डिवाइड बाय समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 डिवाइड बाय RI। सो दिस इक्वेशन 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रॉब्लम में यूज होती है, प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन दिया गया होता है
हमें इंडिविजुअल सेल्स दी गई होती हैं पैरेलल में, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी और इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ कितना होना चाहिए। तो हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल केस कंसिडर कर लेंगे, आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो एन सेल्स हैं हमने पैरेलल में कंबाइन की है वो आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ सेम है और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इक्विवेलेंट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, 1 डिवाइड बाय आर नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर 1 के बदले भी आर आएगा प्लस 1 डिवाइड बाय आर 2 आर 2 के बदले भी आर आएगा प्लस डैश 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 प्लस 1 डिवाइड बाय आर एन आर एन के बदले भी आर आएगा। तो ये 1 बाय आर एन टाइम्स है, सो इट बिकम्स एन डिवाइड बाय आर। तो आर नॉट किसके बराबर आएगा, इसको इन्वर्ट कीजिए तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा आर डिवाइड बाय एन। तो आइडेंटिकल सेल्स में हमारी जो इक्विवेलेंट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, आर डिवाइड बाय एन के बराबर। और ईएमएफ किसके बराबर होगा, ई वहां पे था ई वन डिवाइड बाय आर वन, ई वन के बदले ई आएगा क्योंकि सबका ईएमएफ ई है अभी, और आर वन के बदले आर आएगा क्योंकि सब सेल्स का की इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। प्लस वहां पे था ई टू डिवाइड बाय आर टू, ई टू के बदले भी ई आएगा और आर टू के बदले भी आर आएगा। प्लस डैश 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 प्लस ई एन के बदले भी ई आएगा, आर एन के बदले भी आर। सिमिलरली 1 डिवाइड बाय आर वन था, आर वन के बदले भी आर आएगा। प्लस 1 डिवाइड बाय आर टू था, आर टू के बदले भी आर आएगा। प्लस डैश 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 प्लस 1 डिवाइड बाय आर एन था, आर एन के बदले भी आर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, आप ई ऊपर कॉमन ले लीजिए तो वहां पे यही बचेगा जो नीचे है हमारा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ई नॉट कम्स आउट टू बी ई। तो अगर हम n सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स जिनका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उनको हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलता है वो सिंपली ई के बराबर होगा। तो करंट किसके बराबर आएगा, ई नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर नॉट है, ई नॉट के बदले हम क्या लिखेंगे ई और आर नॉट के बदले आर डिवाइड बाय एन। तो ये मिल गया हमें करंट थ्रू द सर्किट। तो इसमें अगेन हम दो केसेस डिस्कस कर सकते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाय एन, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स आर डिवाइड बाय एन। सो दिस इज द फर्स्ट केस, इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर डिवाइड बाय एन, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स से, तो हम आर डिवाइड बाई एन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आई किसके बराबर आएगा हमारा, ई डिवाइड बाई आर, और वो होगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो एन सेल्स यूज करने के बावजूद भी हमें करंट जो सर्किट में मिल रहा है वो है करंट ड्यू टू सिंगल सेल, एंड दैट इज मिनिमम करंट। 10 सेल्स यूज कर रहे हैं हम, 20 सेल्स यूज कर रहे हैं हम, 100 सेल्स यूज कर रहे हैं हम, लेकिन करंट हमें क्या मिल रहा है, एक ही सेल का, इसलिए वो मिनिमम करंट। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर डिवाइड बाय एन, तो उस टाइम क्या होगा, आई किसके बराबर होगा, ई डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय एन। तो ये एन ऊपर जाएगा, इस टाइम हमने कैपिटल आर को नेग्लेक्ट किया, सो इट इज आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय एन। तो एन ऊपर जाएगा, सो दिस बिकम्स एन टाइम्स ई डिवाइड बाय आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू एन इनटू करंट ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि ई डिवाइड बाय आर इस टाइम करंट ड्यू टू सिंगल सेल है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर हम एन सेल्स यूज कर रहे हैं तो करंट भी एन टाइम्स बन रहा है, अगर हम 10 सेल्स यूज कर रहे हैं तो करंट भी 10 टाइम्स हो रहा है, तो इट मीन्स दिस विल बी मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। देन वी हैव मिक्सड कॉम्बिनेशन। तो मिक्सड कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया है, फॉर सिंपलिसिटी हमने आइडेंटिकल सेल्स कंसिडर की है। तो ये देखिए, हमने पहले एक रो का आप देखिए, हमने फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, लास्ट पे है nth सेल, ठीक है। तो हमने n सेल्स सीरीज में कंबाइन की है, फिर दूसरे रो में भी n सेल्स सीरीज में कंबाइन की है, फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट mth रो, दिस mth रो, इसमें भी हमने n सेल्स सीरीज में कंबाइन की है। फिर जो ये ना सीरीज कॉम्बिनेशन n सेल्स की, उनको हमने आपस में पैरेलल में कंबाइन किया है, ये रो इस रो के साथ पैरेलल में है और फिर वो इस लास्ट रो के साथ भी पैरेलल में है, बीच में जो ये डैश डैश है इट मीन्स वहाँ पे और भी रोज है। तो यहाँ पे हमें एक रो में कितनी सेल्स हैं, एन सेल्स हैं,
और ऐसे कितने रोज है हमारे पास, एम रोज। तो इस पहली सेल को हमने डिनोट किया है C11 से, यानी सेल इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इनको हम कॉलम्स कहते हैं, इनको हम रोज कहते हैं। तो हमारे पास कॉलम्स कितने होंगे, एन कॉलम्स होंगे, क्योंकि एन सेल्स है तो एन कॉलम्स भी होंगे। और रोज कितने हमारे पास है, एम रोज है। तो C11 का मतलब है सेल इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये पहले रो में सेल है और पहले कॉलम में सेल है। C12 का मतलब हुआ सेल इन फर्स्ट रो, पहले रो में सेल है और कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो सेल इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो C1n का मतलब क्या हुआ, सेल इन फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, ये लास्ट वाला nth कॉलम है उसमें। तो C21 का मतलब हुआ सेल इन सेकंड रो, रो तो सेकंड है बट वन का मतलब हुआ कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है। इस तरह C22। तो ये लास्ट पे आप देखिए CM1, तो ये mth रो में है, mth रो है और कॉलम क्या है, फर्स्ट। इस तरह बाकी सेल्स को भी हमने नाम दिया है। हर एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इसमें हम पहले अगर आप देखना चाहेंगे एक रो का EMF कितना बनेगा, तो ये सारे EMF जो है ना एक रो के सीरीज में तो एड अप होंगे, E+E+E+E। ये E कितनी बार आएगा, N टाइम्स। तो अगर हम देखना चाहेंगे एक रो का जो टोटल EMF बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा N टाइम्स एक रो का, क्योंकि इसमें N सेल्स सीरीज में, ठीक है। तो दूसरे से दूसरे रो क्या क्या बन जाएगा, उसका भी N E बन जाएगा, तीसरे रो का भी N E बन जाएगा, चौथे रो का भी N E, और लास्ट रो जो है उसका भी क्या बन जाएगा, N E, उसका भी बन जाएगा। और ये जो अब ये N E पोटेंशियल्स है वो आपस में किस में, पैरेलल में। और हमें पता है पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहते हैं, इसलिए जो हमारी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस कॉम्बिनेशन की, टोटल EMF होगा इस कॉम्बिनेशन का, ई नॉट से जो हम डिनोट करते हैं वो किसके बराबर होगा, एन ई, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। तो ओके, ये हमारा एन ई बन जाएगा टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो EMF ऑफ ईच रो जैसे कि मैंने बताया एन ई होगा, टोटल EMF ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो ये जो एन ई है, अब ये एन ई एक फर्स्ट रो का भी है, सेकंड रो का भी है, थर्ड रो का भी है, एमथ रो का भी, वो पैरेलल में है, तो टोटल पोटेंशियल भी एन ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहते हैं। E नॉट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट बी एन ई है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हम देखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, पहली सेल का भी आर है, दूसरी का भी आर है, लास्ट एंथ सेल का भी आर है, और वो सीरीज में है वो सेल्स, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी किस में होंगे, सीरीज में। तो एक रो की जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी R+R+R+R, ये n टाइम्स होगा, तो एन आर बनेगी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो। पहले रो का भी एन आर, तो दूसरे रो का भी एन आर, तो पहले रो का भी क्या बनेगा, एन आर, दूसरे रो का क्या बनेगा, एन आर, तीसरे रो क्या क्या बनेगा, एन आर, लास्ट रो का क्या बनेगा, एन आर। अब ये एन आर एन आर एन आर एन आर एन आर आपस में किस में, पैरेलल में, इसलिए जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बनेगी, सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो बनेगी दैट विल बी 1/R0, 1/R1 के बदले आएगा एन आर पहले रो का, प्लस 1/R2 के बदले आएगा एन आर दूसरे रो का, प्लस डैश 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 प्लस 1/RM, ये mth रो का है, mth रो का भी है एन आर, ये 1/NR कितनी बार होगा, m टाइम्स, क्योंकि हमें ये रोज कितने हैं, m रोज है, तो ये m टाइम्स होगा, तो ये बनेगा m/NR, आर नॉट हमारा आएगा एन आर डिवाइड बाय एम। तो ये निकल गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम करंट इन द सर्किट निकाल सकते हैं, सो करंट इन द सर्किट इज ई नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर नॉट, ई नॉट का वैल्यू दीजिए, आर नॉट का वैल्यू दीजिए, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, एम से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड में एम रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, सो इट बिकम्स एम एन ई डिवाइड बाय एम इन टू आर प्लस एन आर। तो एम एन है नंबर, ये बन जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सो
एम एन क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ रोज इन टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट, उसको हमने कैपिटल एल एन से डिनोट किया है। तो ये आ गया हमारा करंट। अब ये करंट कब मैक्सिमम होगा वो देखने के लिए हम थोड़ा ये जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये आ गया हमारा एम आर प्लस एन आर को हम लिख सकते हैं एम आर अंडर रूट एम आर होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर प्लस ट्वाइस अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो हमें यही वापस मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखोगे ये पोर्शन क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये किसके बराबर बनेगा, हमें ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। तो रह गया ये यहाँ पे, तो हम आई लिख सकते हैं इसके बराबर आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। तो ये बन गया हमारा टोटल करंट, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आप करंट कब मैक्सिमम होगा, करंट तब मैक्सिमम होगा जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, ये देखिए बेटा ये टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये टर्म जो है ये टर्म या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। इस टर्म में अगर अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर के बराबर है तो ये जीरो बन जाएगी, तो उस टाइम जो डिनोमिनेटर होगा वो मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा। अगर ये अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये टर्म क्या होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। तो वो इसको ऐड होगा और डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, करंट कम होगा। तो मिनिमम का मैक्सिमम करंट होने के लिए ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। इसका जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है वो ये है कि जब ये अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर। तो हम लिख सकते हैं द करंट आई विल बी मैक्सिमम इफ डिनोमिनेटर ऑन आर एच एस इज मिनिमम फॉर विच वी मस्ट हैव दिस शुड बी इक्वल टू दिस होल थिंग शुड बी इक्वल टू जीरो। और इसको अगर हम ट्रांसपोज करके स्क्वायरिंग करेंगे तो आर का वैल्यू हमें आएगा एन आर डिवाइड बाय एम एंड दैट इज इक्वल टू आर नॉट, क्योंकि एन आर डिवाइड बाय एम हमारा आर नॉट है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो करंट विल बी मैक्सिमम इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, द equivalent EMF is, अब ये non-ideal means different cells, they are not identical cells, ठीक है। तो the equivalent EMF is larger than either of the two EMFs. So पहला part है, ये बोल रहा है कि equivalent EMF E naught दोनों cells के EMF से ज्यादा है। The equivalent internal resistance is smaller than either of the two internal resistance. जो total internal resistance है R naught वो दोनों cells के यानी R1 और R2 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा गौर फिक्र करके फिर आंसर लिखिए। ईच ऑफ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी दोनों करेक्ट है ए और बी। बी पार्ट इज ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, पहला करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है। सी पार्ट इज बी इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग एंड डी पार्ट इज ईच ऑफ ए एंड बी आर रॉन्ग। तो इसको अच्छे से थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर लिखिए। सो अगेन देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन्हीं नॉन आइडियल डिफरेंट बैटरीज को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है यहाँ पे ए पार्ट, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। जो ई नॉट है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ई नॉट जो है वो ई1 और ई2 से स्मॉलर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है बी पार्ट, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंसेस। जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट है वो R1 और R2 से स्मॉलर होगी, दोनों से स्मॉलर होगी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, आपने ये देखना है कि ये इन दो में से दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। अकॉर्डिंगली ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनका आंसर चूज करना है, कौन सा करेक्ट है।